गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज तमन्ना। आई एम द लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ सत्यम पॉलिटेक्निक कॉलेज एट नकोदर। टुडे आई विल टीच द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ ऑफ सेमेस्टर थर्ड। हम पहले पढ़ते हैं करैक्टर सेट। प्रोग्रामिंग में करैक्टर सेट का यूज कहाँ है? अगर हमने कोई भी बेसिक प्रोग्राम बनाना हो या किसी का भी हमने प्रोग्राम बनाना हो, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हम कोई भी हम स्टार्ट करते हैं घर बनाने के लिए, सबसे पहले हम नींव पत्थर रखते हैं। ऐसे ही हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो हम ऐसे करैक्टर सेट को पहले यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हम घर बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम करैक्टर सेट में हम अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं, जैसे A to Z। अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में और लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। डिजिट्स 0 to 9 से लेकर कोई भी, मतलब हैश, कोई भी ऑपरेटर या एक्सप्रेशन हम ऐसे यूज कर सकते हैं करैक्टर सेट के लिए। टोकन क्या है? ये सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोग्राम के लिए। ये टोकन क्या करता है? इसमें ये बताता है कौन से कीवर्ड है। ये पहले ही कंप्यूटर को पता होता है कौन सा कीवर्ड चाहिए, कौन से कीवर्ड। कीवर्ड जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है। वेरिएबल जैसे A, B, C, किसी को कांस्टेंट कोई भी आप वैल्यू देते हो, जैसे 10 हो गई या कोई भी, ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। स्पेशल करैक्टर मीन्स जिसमें आप हैश, सेमी कॉलम, कॉलन ये यूज करते हो। ऑपरेटर आपको पता है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या करता है? ये हेल्प करता है कंप्यूटर को बताने के लिए कि कौन सा हमने लेटर यूज किया है, कौन सा डिजिट है, कहाँ हमने स्पेस दी है, अंडरस्कोर डाला है, ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को। ये इनबिल्ट होता है कंप्यूटर के अंदर आइडेंटिफाई करना लेटर, डिजिट्स और कोई करेक्टर्स, ये सभी को ढूंढता है। इसमें क्या है, आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये वेरिएबल, कोई भी प्रोग्राम हम वेरिएबल से, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कोई भी वैल्यू हम डिजिट से नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू जो डायरेक्टली हम प्रोग्राम को असाइन कर देते हैं। जैसे हमने 120, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और कोई भी हम 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना हो वेरिएबल्स में, अगर वेरिएबल के आगे हम कांस्टेंट लिख दें तो वो वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू ही लेगा। आगे कांस्टेंट्स 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं हमने। पहला है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तीसरा है करैक्टर कांस्टेंट और फोर्थ वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो पहला है स्ट्रिंग कांस्टेंट वो आगे 3 पार्ट में डिवाइड है, जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। इंटीजर कांस्टेंट फर्स्ट पार्ट इज डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। फ्लोटिंग के 2 पार्ट है, स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट में क्या है, हम इंटीजर जैसे हमें होल नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें हम कोई डेसिमल पॉइंट नहीं यूज कर सकते। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर हम कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं लेंगे। इसमें 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, -20, -30 ऐसे ले सकते हैं। इंटीजर की रेंज होती है -3 to 7, 6, 8 to +3 to 7, 6, 7 तक। इतने रेंज तक, इतने इंटीजर तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर हम यहाँ डेसिमल पॉइंट तक नहीं ले सकते। हमने बताया था
इंटीजर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल मींस 10, ये नंबर कितने लेगा? 10 डिजिट्स लेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 9 तक के नंबर। इसमें हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 0 से 9 तक आप कोई भी, 1 से लेकर 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हो, 1, 2, 5, 6, 9 तक। ओके, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट क्या है? ऑक्टल मींस 8। आप 0 से लेकर 7 तक आप जितने भी कॉम्बिनेशन है 0 से लेकर 7 तक आप उतना इंटीजर इसमें यूज कर सकते हो। हेक्साडेसिमल है 0 से लेकर 9 तक आपके 10 इंटीजर होंगे और 11 से लेकर 5 तक, 15 तक मतलब आपके, आप ए बी सी यूज करोगे ए से लेकर एफ तक। जरूरी नहीं है आप अपर केस की ए बी सी यूज करो या लोअर केस की, आप कोई भी। ये कंप्यूटर को पता होता है अगर आपने लिखा है ई, ई का मतलब है वो खुद में खुद समझेगा आपने लिखा है आप 11 पर ए, 12 पर बी, सी पर 13, 14 पर डी, 15 पर ई, वो खुद ब खुद समझ जाएगा ई इज पर 14। ये आप 0 से लेकर 9 तक आप इंटीजर यूज करोगे और 10 से लेकर आप 15 तक आप ए टू एफ यूज करोगे। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है? हम यहाँ इसमें रियल नंबर यूज करते हैं। रियल नंबर मींस आप डेसिमल पॉइंट वाले नंबर यूज करोगे। फ्लोटिंग पॉइंट जैसे आपने लिखा, इसकी रेंज होती है 3-3.2 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मींस 10 की पावर पर 38, -38, और इसी में पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3.2 10 की पावर 38। फ्लोटिंग पॉइंट को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन के। यहाँ स्टैंडर्ड नोटेशन कौन सी होती है? आप इंटीजर पार्ट, जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या है, अगर आपने पॉइंट वाला नंबर लिया है, ठीक है, पॉइंट से पहले वाले नंबर होंगे वो इंटीजर पार्ट का होगा और जो पॉइंट के बाद वाले होंगे वो फ्रैक्शनल पार्ट के होंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, अगर आप इंटीजर पार्ट है वो स्टैंडर्ड नोटेशन से आप यूज करोगे और जो आपका एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर 10 है, उसे नंबर को आप मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट पार्ट सॉल्व करोगे। करैक्टर कांस्टेंट में क्या है, अगर सिंगल सिंगल कोट में आपका कोई भी करैक्टर है, डिजिट है या सिंबल है कोई भी, उसे आप करैक्टर कांस्टेंट के यहाँ यूज करोगे। अगर कोई भी प्रोग्राम हमने सिंगल कोट में जैसे 10 लिखा हो और साइड में सिंगल कोट्स हो तो आपको पता लग जाएगा ये करैक्टर कांस्टेंट है। अगर बी अकेला लिखा हो वो करैक्टर कांस्टेंट है। ये कौन करैक्टर कांस्टेंट को मैनेज कौन करता है? एस्काई टेबल। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इनको एस्काई को सब सारे करैक्टर का पता होता है। ये पहले खुद ब खुद इनकी कंप्यूटर में इनका डाटा जो है वो पहले ही स्टोर होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट था वो सिंगल कोट्स में डिस्क्राइब था और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो डबल कोट में आपको देगा। आप इसमें आप अपने डबल कोट में अल्फाबेट हो गए, करैक्टर हो गए, अगर कोई न्यू करैक्टर है या कोई भी सीक्वेंस है आप इसमें स्टोर कर। अगर आपके ब्लैंक स्पेस, आपने डबल कोट और कुछ नहीं लिखा तो आपका ये माना जाएगा वो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। मैंने एग्जांपल ली है, डबल कोट में आपको एक डिजिट दिया है, ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जिसमें डबल कोट्स आगे वो आपको पता लग जाएगा ये स्ट्रिंग की कांस्टेंट है। अगर आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी आप लिस्ट लिख सकते हो डबल कोमा में, वो एज टू एज प्रिंट हो जाएगी। अगर आप बिना डबल कोट्स डालकर और कुछ नहीं लिखते, ब्लैंक्स पे छोड़ देते हो, वो ऐसे ही आपको प्रिंट होकर आएगी। एक मैंने प्रोग्राम दिया है जिसमें हमने आयो स्ट्रीम यूज की है इनपुट आउटपुट के लिए और डाटा को फ्लो करवाने के लिए, और इंट मेन यूज किया है।
लिखा है, डबल कोर्स में BCA और BTech लिखा है और बिट। इसमें क्या है, आपको ऐसे ही BCA बिट